तो मंगलवार को पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब से पूछताछ हुई है, 3.5 घंटे तक पूछताछ हुई है और इस दौरान उससे दरअसल कई सवाल पूछे गए। एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर कौन से सवाल आफताब से पूछे गए। मंगलवार की शाम 6 बजे आफताब को लेकर एफएसएल पहुंची थी दिल्ली पुलिस और एफएसएल से 9:30 बजे आफताब को लेकर पुलिस की टीम बाहर निकली। आफताब के हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट की जांच भी की गई और पहले दिन पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से कई सवाल पूछे गए और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आफताब से सामान्य सवालों के साथ साथ अपराध से जुड़े सवाल भी पूछे गए। दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें दिल्ली पुलिस ने आफताब के 3 दोस्तों के बयान भी लिए हैं जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। वसई क्राइम ब्रांच दफ्तर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और जहां पर बयान लिए जाते हैं ये सबसे अहम हो जाता है क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस इस पूरे प्रकरण में 17 लोगों के बयान ले चुकी है जिसमें श्रद्धा के पिता शामिल हैं, इसमें आफताब के दोस्त शामिल हैं, वो लड़कियां भी शामिल हैं जो पहले आफताब को डेट कर रही थी और ये बयान काफी जरूरी हो जाते हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि आफताब का पहले बिहेवियर कैसा था, क्या कभी आफताब को देख करके लगा कि वो इतने जघन्य अपराध को अंजाम दे सकता है। जिसमें ये भी बताया गया है क्योंकि आफताब को लेकर के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जिसमें श्रद्धा जिस कॉल सेंटर में पहले काम करती थी उसके जो मैनेजर थे वो इसमें शामिल है जिनके बयान लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने श्रद्धा की मदद की थी जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची थी 2020 में शिकायत दर्ज करवाने के लिए। तो बहुत सारी कड़ियां हैं जो जुड़ती चली जा रही हैं और हम इस वक्त जहां पर मौजूद है यहां पर भी लगातार पुलिस की टीमें फॉरेंसिक टीम पहुंची है ताकि सबूत इकट्ठे किए जा सकें।